हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू यूमी एंड फूड। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अदरक लहसुन की पेस्ट को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस वीडियो से रिलेटेड, तो इसीलिए मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो बना रही हूं। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैंने ये 100 ग्राम लहसुन है इसे मैंने अच्छे से छील लिया है, और लहसुन को किस तरह से आप जल्दी छील सकते हैं उसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है। इसी तरह से ये मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है, इसे भी मैं छील लूँगी। आप चाहें तो इसे चाकू से छीलें, चाहे आप चम्मच की हेल्प से भी छील सकते हैं। और मैं इसे छील के अच्छे से धो लूँगी, और धोने के बाद आपको इसे अच्छे से सुखा लेना है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धोने के बाद ये कैसा, किस तरह से लेना है आपको। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैक्सी का मैंने छोटे वाला मसाला जार लिया है, और इसमें मैं ये जो सारा लहसुन है इसे डाल रही हूँ। ये मैंने 100 ग्राम लहसुन लिया है, जो लगभग एक कटोरी लहसुन है। और इसी तरह से ही जो मैंने अदरक लिया है इसे भी मैं मोटे टुकड़ों में काट के डाल देती हूँ, और इसे मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है किसी कपड़े से पोंछ कर। गीला आपको बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज इसमें मॉइस्चर रह जाएगा और जो आपका पेस्ट है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और जो रेशो है वो मैंने इक्वल लिया है अदरक और लहसुन का। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जिस तरह का टेस्ट आपको पसंद है। और अगर आप ग्रेवी में अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप अलग अलग दोनों का पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, लेकिन जब भी आप सब्जी बनाएं और ये पेस्ट यूज़ करें तो ध्यान रखें कि आप इसमें नमक का यूज़ कर रहे हैं तो सब्जी में नमक उसी हिसाब से डालें। और अब मैं इसमें एक बड़ी चम्मच नमक तेल का डाल रही हूँ। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में, और इसे ग्राइंड करने में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तेल डाल के आपको इसी तरह से ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेस्ट किस तरह से दिखेगा। ये हमारा अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने ग्राइंड कर लिया, और आप ये देखेंगे कि बहुत ही स्मूथ पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। और इस पेस्ट को ग्राइंड करने में मुझे 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल भी पानी का इसमें यूज़ नहीं किया है। और अब मैं जो ये पेस्ट है इसे मैं इस कंटेनर में शिफ्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको स्टोर करने के लिए कांच का कंटेनर लिया है, आप प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। जो भी कंटेनर आप लें वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर आप कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसमें ये पेस्ट जो है वो लंबे टाइम तक स्टोर रह जाता है। प्लास्टिक के कंटेनर में थोड़ा ख़राब होने का रिस्क रहता है। और इस तरह से आप जो पेस्ट हैं इसे 3 से 4 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने सारे पेस्ट को मिक्सी से शिफ्ट कर लिया है कांच के कंटेनर में, और इसमें जो मैं प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रही हूँ वो मैंने उसके लिए ऑयल लिया है। और ये मैंने एक कटोरी में 2-3 बड़े चम्मच तेल लिया है। इस तेल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें अब मैं 2 बड़े चम्मच जो तेल है वो डाल रही हूँ। और तेल जो है वो इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तेल डालने से आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा, और तेल जो है वो आपको बहुत अच्छा तेज़ गर्म तेल लेना है। इस तरह से इस मिक्सर को स्टोर करके आप 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी डेली की लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं, और अपनी सुबह सुबह की हैटिकनेस से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपकी कोई और भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।